हेलो गाइस, पहला जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में वो है ये कि एक बुक सेलर है जो बुक को 10% प्रॉफिट के साथ बेच देता है। यानी कि अपने पास पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं, और ये क्वेश्चन एसएससी 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि कोई भी बुक सेलर है एक बुक को, ये अपने पास कोई बुक है, दिस इज द बुक जिसका प्राइस एक्स है। वो इस एक्स प्राइस वाली बुक को 10% गेन के साथ बेच देता है इसी बुक को। यानी कि इस बुक का जो एसपी रहेगा वो क्या रहेगा, एक्स में एक्स का 10% जोड़ दूंगा। यानी कि कितना रहेगा, सीपी दैट इज द 110 एक्स बाई 100। आगे पोर्शन में कह रहा है कि इफ ही बोट इट एट 4% लेस। यानी कि वो कह रहा है कि यदि वो शॉपकीपर उस बुक को 4% लेस से खरीदता है, यानी कि खरीदा कितना, पहले एक्स रुपीज से खरीदा था, अब एक्स में से 4% एक्स का घटा दो तो कितने में खरीदेगा, 96,100 रुपए में उसने खरीदा, तो उसको 3/4% का बेनिफिट मिलता है। कब, जब वो उस बुक को बेच देता है एसपी के साथ, और वो एसपी कितना रहता है, दैट इज द 6% मोर। ये कह रहा है कि इट इज द 6% मोर, यानी कि ये जो पहले बेचा था 11/10 × x में, तो अब कितने में बेचेगा, 11/10 × x + 6। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि कोई बुक थी जिसका प्राइस एक्स था, यानी कि मान लो वो प्राइस कितना था, पहले 100 रुपए था, तो अब न्यू कितने रुपए में बेची उसने, 110 रुपए में वो बेच दी, तो उसको 10% का बेनिफिट मिल गया। अब कह रहा है कि जो बुक थी वो बुक को 4% लेस से उसको खरीदता है, यानी कि खरीदी कितनी, 96 रुपए में। 4% 100 का 4% मतलब 96 रुपए में उसने खरीदी, 4% लेस कर दिया, और वो बेच देता है 6% मोर। माननी मोर कितना, 116 रुपए में उसने क्या कर दी, बेच दी, तो उसको इतने परसेंट का बेनिफिट मिल जाता है, 3/4% का बेनिफिट मिल जाता है। तो बताओ कॉस्ट प्राइस जो है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, बुक की कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो अपना जो न्यू मैं लिख देता हूँ, कुछ चीजें हैं। न्यू जो सीपी था वो कितना था, 96/100, और जो न्यू एसपी था वो कितना था, दैट इज द 11/10 × x + 6। तो जो प्रॉफिट रहेगा वो कितना रहेगा, 11/10 × x + 6 में से हम सीपी को क्या कर देंगे जी, माइनस। ठीक है, इसका एलसीएम कितना जाएगा आप लोगों के पास, 100 एलसीएम आ गया। तो जब इसको सोल्व करो कितना आएगा, 110 x + 600 − 96 × x। तो जो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा यहाँ से वो कितना निकल के आएगा, 110 में से 96 जब माइनस होंगे तो 14 x + 600 / 100, ये आपका प्रॉफिट आ गया। तो जो प्रॉफिट परसेंटेज आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना रहेगा, दैट इज द प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। यानी कि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो क्या है, दैट इज द 18/3/4, और प्रॉफिट कितना है, 14 x + 600 / 100, और 1/CP। सीपी कितना है, सीपी इन दिस केस कितना था, 96/100, तो यहाँ 96 x और 100 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाई अगेन 100। तो आपको x की वैल्यू यहाँ से क्या करनी है, फाइंड आउट। तो 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, इसको जब आप सोल्व करोगे कितना आएगा, 18/3/4, यानी कि 18 × 4 + 3, तो 18 × 72 + 3, दैट इज द 75। 75/4 इज इक्वल टू, इसको क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 1400 x हो जाएगा प्लस में 60,000 हो जाएगा डिवाइड बाई 96 x हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करवाओ, आप क्या करवाओ,
थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 75 मल्टीप्लाई 96x इज इक्वल टू 1400x प्लस में 60,000 इंटू में क्या जाएगा, दैट इज द 4। अब जब मल्टीप्लाई कराओगे 75 को 96 तो आंसर आएगा 7200x, और जब आप 14 को 4 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 56 और 00x और प्लस में 6 चौक 24, 1 2 3 4। ओके, तो अब इस वाले टर्म को इस साइड ले आते हैं, यानी कि 7200 में से 5600 हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1600 बचेगा। x बराबर 24, 1 2 3 4, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगी, x की वैल्यू क्या आएगी 24, 20 बटे में 16, यानी कि 2400 डिवाइड बाय 16, आंसर कितना आएगा आपका 150, यानी कि उस बुक की प्राइस x की वैल्यू कितनी रहेगी 150। तो इस क्वेश्चन में जो आप लोगों का आंसर रहेगा, आप लोगों का आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, दैट इज द 150 क्या रहेगा आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम जो है वोट करता है 1600 एग को 3.75 पर डजन के हिसाब से ही सोल्ड बेच देता है 900 एग्स को बेच देता है एट 2 एंड फॉर 1 एंड द रिमेनिंग एट 5 फॉर 2 रुपीज। यानी कि कह देता है कि जो 900 जो एग हैं, 900 ऑफ देम यानी कि 1600 में से 900 एग को इस प्रकार से बेचता है कि 1 रुपए में 2 एग देता है, और जो रिमेनिंग है जितने भी बच गए, जैसे अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूं, ये है 1600 एग, ये है 1600 एग, और इसके दो हिस्से कर लिए, दो हिस्से कर लिए, एक जिसमें 900 एग हैं, दूसरा जिसमें रिमेनिंग, रिमेनिंग कितने रह जाएंगे, दैट इज द 700 एग। ओके, अब कह रहा है कि खरीदता तो है, खरीदा किसने 3.75 पर डजन के हिसाब से, यानी कि पर 12 एग के हिसाब से, 12 एग उसने 3 रुपए के हिसाब से खरीदे, तो खरीदेगा कितना, जब आप इसको सोल्व करोगे 1600 एग कितने में खरीदेगा, 12 एग खरीदता है, ऐसे कर लो इसको कि भाई 12 जो एग हैं वो खरीदा 3.75 में, एक एग खरीदेगा किस में, कितने में, दैट इज द डिवाइड बाय 12, और भाई 1600 एग कितने में खरीदेगा, 1600 एग, दैट इज द मल्टीप्लाई 1600। तो जो आंसर निकल के आएगा यहां से कितना, जब इसको कंप्लीट हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू जो अपनी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 500 रुपीज, यानी कि 1600 एग उसने 500 रुपीज में खरीदे। ओके, 1600 एग जो हैं उसने 500 रुपए में खरीदे हैं। अब कह रहा है कि 900 एग में, 900 एग को उसने इस प्रकार से बेच दिया कि 2 एग के उसने 1 रुपए लिया, और 700 एग इस प्रकार से बेचा कि 5 एग उसने 2 रुपए में बेच दिए, रुपीज 2 रुपए में बेच दिए। तो जी 900 जब एग को 2 एग पर रुपीज के हिसाब से बेचेगा तो उसको कितने रुपीज प्राप्त होंगे, ऐसे कर लो 2 एग बराबर 1 रुपया, तो 1 एग बराबर 0.5 रुपया, तो 900 एग कितने रुपए में आ जाएंगे, दैट इज द 1/2 मल्टीप्लाई 900। ठीक है, तो आंसर यहां से कितना निकल के आएगा, दैट इज द 450 रुपीज, और इन दिस केस 5 एग 2 रुपए में है तो 1 एग कितना हो जाएगा 2/5 रुपीज में, और 700 एग कितने हो जाएंगे, 700 एग, दैट इज द 2/5 मल्टीप्लाई 700। तो जब आप सोल्व करोगे इसको कितना आएगा, 5 एकम 5 और भाई 5 चौक 20 और 0, यानी कि 280 रुपीज, यानी कि टोटल जो एग उसने एसपी किया, सेलिंग किया 1600 एग का, तो कितना हुआ 450 प्लस 280 इज इक्वल टू कितना जाएगा, दैट इज द 0, 8 और 5 13, 1
चार दो छह रख सात, 730 रुपए में उसने क्या कर दिया जी, बेच दिया 730 रुपए। तो कह रहा है कि हिज गेन परसेंटेज बताओ। तो अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में क्या था, सीपी, सीपी कितना था, दैट इज द 500 रुपीज, और एसपी कितना निकला, दैट इज द एसपी निकला 730 रुपीज, 730 रुपीज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी बाई सीपी मल्टीप्लाई 100, यानी कि सीपी कितने 730 माइनस 500 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई 100, यानी कि इसको थोड़ा सा आप जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 0 3 2 230 बटे में 5, तो 5 × 20 3 0 5 6 30, 6 5 30, तो 46% इसका क्या रहेगा आंसर, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये रेलवे 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई जो मर्चेंट, ए मर्चेंट हैज 1000 किलो सुगर, पार्ट ऑफ विच ही सेल 8% प्रॉफिट, यानी कि कह रहा है कि कोई किसी मर्चेंट के पास 1000 किलोग्राम शुगर है जिसका कुछ पोर्शन वो 8% प्रॉफिट से बेच देता है और बाकी का जो है 18% प्रॉफिट के साथ उसको बेचता है, तो उसको टोटल जो गेन प्रतिशत है वो 14 रुपए प्राप्त होते हैं, 14% कंप्लीट 1000 किलोग्राम पे उसको प्राप्त हुए। तो द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट वो बताने, ये कह रहा है कि क्वेश्चन को समझते हैं, ये कह रहा है कि भाई अपने पास, आप लोगों के पास 1000 किलोग्राम शुगर है, 1000 किलोग्राम शुगर है, इस 1000 किलोग्राम शुगर में दो पोर्शन कर दिए, एक तो पोर्शन है एक्स और एक पोर्शन है 1000 माइनस एक्स, ये भी किलोग्राम और ये भी किलोग्राम। कह रहा है कि जो एक्स है शुगर उसको तो ये बेच देता है कितने में, कितना कह रहा है कि 8% प्रॉफिट के साथ, 8% प्रॉफिट के साथ उसको बेच देता है, और जो दूसरा है उसको कितने प्रतिशत प्रॉफिट के साथ, 18% प्रॉफिट के साथ उसको बेच देता है, और इसको जो टोटल प्रॉफिट मिलता है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज मिलता है वो कितना मिलता है, 14%। तो बताओ ये कितना है, 1000 माइनस x की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो देखो मान लेते हैं, लेट कर लो आप, लेट सीपी ऑफ 1000 kg शुगर, दैट इज द कितना, मान लो कि भाई बेस वोट कर लिया उन्हें x रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से, तो 1000 × x हो गया, यानी कि किस हिसाब से, कि x रुपी पर केजी के हिसाब से उसने उसको खरीद लिया, यानी कि 1 किलोग्राम x रुपए में खरीदता है, तो 1000 किलोग्राम कितने रुपए में खरीदेगा, दैट इज द 1000 मल्टीप्लाई x। ओके, आप कह रहे हैं कि वो मान लो कि x किलोग्राम, हमने यहाँ पे x मान, इसको x मत मानो, इसको y मान लो, थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, y मान लो इसको, कि भाई y रुपीज पर किलोग्राम के हिसाब से उसने 1000 किलोग्राम शुगर को खरीद लिया और बेच देता है x किलोग्राम शुगर, वो 8% प्रॉफिट के साथ बेच देते हैं, यानी कि कह रहा है कि जो SP है किसका, SP ऑफ x kg शुगर का, वो कितना है, x किलोग्राम शुगर। अब इसका जो सीपी रहेगा, यानी कि मैं कहूँ सीपी ऑफ x kg शुगर, वो कितना रहेगा, दैट इज द x मल्टीप्लाई y, इतने रुपीज रहेगा, और सीपी एसपी, ये तो आ गया सीपी एक्स मल्टीप्लाई वाई, कि एक्स किलोग्राम शुगर थी, 1 किलोग्राम का कॉस्ट वाई रुपीज था, तो टोटल कॉस्ट आ गई। अब एसपी कैसे निकालेंगे एक्स किलोग्राम का, अब एसपी निकालने का फॉर्मूला ये होता है, आपके पास यहाँ ये वैल्यू निकालनी है आपको, कैसे निकलेगी देखो, कैसे निकलेगी वो बताता हूँ। देखो फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंटेज
इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी बाई सी पी मल्टीप्लाई 100, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? अब एक्स किलोग्राम कितने रुपए में खरीद रहा था? 8% प्रॉफिट के साथ, तो 8% हो गया, इसको आप 8 लिख लो सीधा। इज इक्वल टू एस पी की वैल्यू निकालनी है, सीपी कितना है? एक्स इंटू में वाई डिवाइड बाई सीपी एक्स इंटू में वाई मल्टीप्लाई कितना आ गया 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? 8xy बराबर है एस पी माइनस एक्स वाई और मल्टीप्लाई कितना है जी 100। यानी कि आपको जो सीपी की वैल्यू सॉरी एस पी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 8xy डिवाइड बाई 100 और प्लस में कितना आएगा? दैट इज द एक्स वाई। यानी कि एस पी की जो वैल्यू आई है वो यहां से कितनी आई है? 108 बाई 100 इंटू में एक्स वाई। ये यहाँ पे क्या आया? सीपी आई। यहाँ लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पे जो वैल्यू आई है एस पी की वो कितनी आई है? 108 बाई 100 इंटू में एक्स वाई। वैसे भी मैं इस चीज को डायरेक्ट कर सकता था क्योंकि ये 8% प्रॉफिट के साथ उसको बेच रहा है, तो खरीदी इतना में तो बेचेगा कितना में? 108 बाई 100। अब नेक्स्ट केस में कह रहा है, मैं यही लिख देता हूँ इसको, थोड़ा सा रफ करके समझ में आ जाएगा आप लोगों के। कह रहा है कि जो सीपी है, सीपी अब की बार सीपी लेते हैं भाई, नेक्स्ट सीपी ऑफ 1000 माइनस एक्स के जी शुगर कितना आ जाएगा? 1 किलोग्राम वाई रुपी में है तो इतना किलोग्राम कितने में? 1000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई वाई रुपीज में आ जाएगा। तो इसका एसपी कितना आएगा? एसपी ऑफ 1000 माइनस एक्स के जी कितना आएगा भाई? दैट इज द आएगा बोले तो इसका 18% उसको क्या होता है? बेनिफिट मिलता है। तो यहां से कितना जाएगा सीधा सीधा अगर मैं करूंगा तो जैसे पीछे किया था वैसे ही हो जाएगा, 118 बाई 100 इंटू में क्या जाएगा? जो भी आपका सीपी है वो इंटू में वाई रुपीज। यानी कि एक एसपी तो ये आया, दूसरा एसपी आया, तो टोटल एसपी कितना निकलेगा? टोटल एसपी कितना निकल जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे, 108xy डिवाइड बाई 100 प्लस में 118 बाई 100 इंटू में दिस, ये आया है। ठीक है, ये आपका टोटल एसपी आ गया है, यहां से टोटल एसपी आ गया है। ओके, अब कह रहा है कि भाई जो पूरा जो अपने पास ये वैल्यू थी किसकी, 1000 किलोग्राम शुगर की, जो कंप्लीट जो बेनिफिट मिलता है कम, क्योंकि ये तो एक पोर्शन पे इसको बेनिफिट मिला और यहाँ कुछ पोर्शन पे अनदर प्रॉफिट मिला, बट कंप्लीट प्रॉफिट कितना होता है? 14% का। तो जो टोटल एसपी आएगा, टोटल एसपी 1000 के जी शुगर वो कितना आएगा? दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू में 1000 इंटू में एक्स, ये तो एससीपी आ गया और प्रॉफिट कितना होता है? 14% का। तो 114 बटे में 100, ये आ गया टोटल एसपी। अब ये वाला एसपी और ये वाला एसपी दो बहुत सारे क्या है? इक्वल है, तो इसको इक्वल पुट कर देते हैं भाई, और साथ में क्या आएगा? वाई, क्योंकि वाई क्या है? पर ग्राम किलोग्राम के हिसाब से है, तो दोनों को इक्वेट कर दो आप, दैट इज द कितना आएगा? 1000xy इनटू में 1000xy इनटू में 1000xy नहीं आएगा भाई, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ये कह रहा है कि आपके पास 1000 किलोग्राम शुगर है, 1000 किलोग्राम शुगर है तो कितने रुपए में खरीदेगा? एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, आ जाएगा ओनली वाई, ओनली वाई, ठीक है, ओनली वाई। तो यहाँ पे कितना आया? ये तो होगा सीपी और ये होगा उसका प्रॉफिट, यानी कि मल्टीप्लाई 114 बटे में 100, विच इज इक्वल टू दिस दिस टर्म 108xy बटे में 100, इसको थोड़ा सा ओपन कर लो, प्लस 118 बाई 100 इंटू में क्या आएगा? 1000 इंटू में क्या आएगा? वाई,
और साथ में क्या आएगा, माइनस का सिंबल, 118/100 इंटू में एक्स इंटू में वाई। तो यहाँ 100 से तो ये 100 कैंसिल हो गया, और भाई यहाँ ये 100 इससे कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 1140y इज इक्वल टू, इसको जब आप सोल्व करो कितना आएगा 108/100xy, और ये भी इसके साथ लिख लो 118/100xy और प्लस में 118 इंटू में y और साथ में 0। ठीक है, तो जब हम करेंगे इसको सोल्व तो कितना आएगा, y को तो y की साइड ले आओ, कितना जाएगा ये माइनस का है, ये माइनस का, इसको साइड लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा। तो 1140 प्लस 1180 इंटू में वाई इज इक्वल टू, इसमें एलसीएम ले लिया 100, अब इसमें से ये करेंगे तो आंसर कितना आएगा, दैट इज द, और ये प्लस का है भाई, ध्यान रखना इस बात का, रुको रुको गलत कर दिया भाई हम लोगों ने, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, यहाँ था ये जो वैल्यू थी दैट इज 108/xy, ये माइनस की थी, ये यहाँ पे ये वैल्यू थी माइनस की भाई, और ये वैल्यू थी प्लस की 1180, तो इसको प्लस वाली को इस साइड लेके आएंगे तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, और यहाँ किसकी इतनी हो जाएगी, दैट इज द 108-118 इंटू में एक्स वाई, वाई से कैंसिल हो गया वाई, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आई 1180 में से 1140 घटाएंगे तो माइनस का 40, यहाँ कितना बचेगा 118 में से 108 गए तो माइनस का 10/100 इंटू में एक्स, इससे ये कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू आई 400, एक्स की वैल्यू कितनी आई 400, यानी कि ये कह रहा है एक्स था क्या, क्वेश्चन में देखो एक्स था क्या, एक्स अपना 8% प्रॉफिट वाला एक्स था, तो यहाँ पे आंसर कितना है 1000-x वाला पूछ रहा है ये, तो 1000 में से 400 घटेंगे तो आंसर कितना आएगा, दैट इज द 600 किलो, बी विल बी द करेक्ट आंसर, सो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 600 kg। ओके, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, और ये क्वेश्चन भी SSC 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आदमी है जो सोल्व करते हैं किसी आइटम को 20% लॉस के साथ। तो मान लो आप कि ये कोई एक आर्टिकल है, कोई आइटम है, कोई आइटम है, उसका सीपी है एक्स, लेट मान लिया कि उसका सीपी कितना है एक्स, तो एसपी कितना होगा 20% लॉस, दैट इज द 80xy 100 जाएगा। ठीक है, इफ ही सेल द आर्टिकल फॉर 12 रुपए मोर, ये कहता है कि जो न्यू यदि एसपी है वो अपना 12 रुपए ज्यादा है, यानी कि 80x/100 प्लस में 12 यदि है, ही वुड हैव गेन 10%, तो सीपी कितना रहेगा, कॉस्ट प्राइस निकालना है, और प्रॉफिट प्रतिशत उसको कितना मिलता है, प्रॉफिट प्रतिशत उसको मिलता है कितना, दैट विल बी द 10% का। यहाँ पे जो बेनिफिट मिला कितना मिला 10% का, तो आपको सीपी निकालना है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू एसपी, सॉरी सीपी, पहले एसपी लगाएगा, एसपी माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, ये फॉर्मूला होता है। तो कैसे लगेगा, दैट इज अ 10 इज इक्वल टू एसपी कितना है, इससे कैंसिल करोगे तो 8/10 इंटू में एक्स प्लस 12 माइनस सीपी, ये लो जी सीपी का सीपी रहने देते हैं, डिवाइड बाय दैट इज द सीपी और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और सीपी कितना रहेगा, सीपी ये कह रहा है कि 12 रुपए ज्यादा, मतलब खरीदा उसने एक्स रुपीज में ही है और 12 रुपए ज्यादा में खरीद लिया तो प्रॉफिट इसका, और यदि 12 रुपए कम में खरीदता है तो 20% का क्या हो जाता है उसको, यहाँ पे 20% क्या हो जाता है लॉस। तो यहाँ सीपी की जगह आप एक्स भी लिख सकते हो क्योंकि सीपी चेंज नहीं हुआ, सीपी एज इट इज ही है, बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना है, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया दैट एक्स इस साइड ले आओ, दैट इज द एक्स। ठीक है, ओके,
और ये 10 इसके नीचे ले आओ, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8 बाई 10 एक्स प्लस में 12 माइनस में एक्स। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे, आंसर ले लोगे, एलसीएम ले लोगे 10, तो यहाँ कितना बचेगा x बराबर है 8x प्लस में 120 माइनस में 10x। तो आप इसको थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो हम क्या आएगा आंसर, दैट इज द माइनस का 2 और इसको साइड लेके आएंगे तो 3x, 3x इज इक्वल टू 120, वो इक्वल के दोनों साइड एलसीएम है खत्म कर देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आई 120 बटे में 3, यानी कि 4 या 12 40 रुपीज आई है। तो जो क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दैट इज द ऑप्शन नंबर बी, 40 रुपीज में उस आर्टिकल को उस आदमी ने खरीदा है और ये एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि एसएससी 2005 में आया हुआ है, कह रहा है कि एक रेडियो है जो बेच दिया 990 रुपए में और प्रॉफिट कितना 10% का। तो ऐसे लिख लो, एक रेडियो आपके पास, ये रेडियो है जिसका एसपी कितना है 990 रुपए, तो सीपी कितना हुआ 10% प्रॉफिट के साथ बेचा है भाई, तो एससीपी को यदि एक्स मानूं तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलेगा, प्रॉफिट प्रतिशत कितना है इन दिस केस, दैट इज द 10%। तो पहले सीपी को ही निकाल लो अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मूला कि प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू 990 माइनस एक्स एसपी माइनस सीपी बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, तो आंसर कितना आएगा दैट इज दिस, एक्स उस साइड गया, एक्स बाय 10 इज इक्वल टू 990 माइनस एक्स। इसको थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 9900 माइनस 10x। थोड़ा सा सोल्व करोगे तो वैल्यू कितना ही आएगी 11x इज इक्वल टू 9900, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 9900 डिवाइड बाई 11, यानी कि 900 रुपीज आएगी। तो यहाँ वो जो रेडियो था, मैं थोड़ा सा इसको सोल्व कर यहाँ लिख देता हूँ, समझ जाना क्या कि यहाँ जो सीपी आया अपना वो कितना रुपीज आया 900 रुपए। ओके, अपने आगे कह रहा है कि ही वुड गेन और लॉस प्रतिशत हैड बीन सोल्ड 890 रुपए। यदि ये बेच देता है 890 रुपए में, सीपी एज इट इज है 900 रुपए, जैसा कि हमने लोगों ने निकाल चुका, रेडियो वही है सीपी वही है, बट एसपी कह रहा है पहले 990 में बेच रहा था, अब की बार 890 में बेच रहा है, ठीक है 100 रुपए कम में, तो कितना लॉस होगा या गेन होगा। आप यहां से देख सकते हैं, आप यहां पे हुआ क्या है, इसको लॉस ही हुआ है, लॉस कितना हुआ है 10 रुपए का लॉस हुआ है उसको 10 रुपीज का। तो लॉस प्रतिशत कैसे निकलेगा भाई, लॉस डिवाइड बाई सीपी मल्टीप्लाई 100, 100 से 100 कैंसिल, 10/9 आंसर आ जाएगा 1/9 प्रतिशत का क्या हुआ है यहाँ पे उस खरीदने वाले का लॉस, बेचने वाले को लॉस, यानी कि 1/1, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48, वन लॉस 20% इफ ऑर्डर टू गेन 20%। ये कह रहा है कि ऑन सेलिंग एन आर्टिकल, कि कोई आर्टिकल 48 रुपए में उस किसी आदमी ने उस आर्टिकल को बेच दिया 48 रुपीज में, वन लॉस इज 20%, इन ऑर्डर टू गेन 20% व्हाट विल बी द सीपी। ये कह रहा है कि कोई आर्टिकल है आपके पास, मतलब सेम टू सेम चीज है, ये कह रहा है कि आर्टिकल है, आर्टिकल को बेच दिया 48 रुपीज में और वो भी 20% लॉस के साथ, तो जो उसका सीपी रहेगा पहले तो वो निकाल लेते हैं, सीपी कितना रहेगा, सीपी रहेगा कि लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू लॉस, यानी कि 48 माइनस सीपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, 20/100 आंसर कितना रहेगा, सीपी इज इक्वल टू 48 8/40 4 और भाई 5 और 20 20 और 4 24 माइनस में 5 सीपी, यानी कि 6 सीपी इज इक्वल टू 240, सीपी इज इक्वल टू 6 चौक 24 40, यानी कि जो उसका सीपी रहा कितना रहा
40। अब कह रहा है कि ये कोई भी पर्सन उसी आर्टिकल का हो जो है अब की बार बेच देता है, पता नहीं कितने रुपए में बेच देता है, पर उसको जो प्रॉफिट होता है वो 20% का प्रॉफिट होता है। तो अब की बार बताओ कि कितने रुपए में बेचेगा। तो सीधा सा फॉर्मूला लगा देंगे, 20 इज इक्वल टू अब की बार SP माइनस CP एज इट इज है, क्योंकि हम लोगों ने ये निकाल चुके, मल्टीप्लाई में 100 है, इससे ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, आंसर करो कितना आएगा, 4 2 8 इज इक्वल टू CP सॉरी SP माइनस 40। तो SP की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 48, यानी कि आपके बार कितने रुपए में बेचेगा, दैट इज द 48 रुपीज में बेच देगा। तो पहले तो वो कहीं ना कहीं भाई कैलकुलेशन चेक करना कहाँ पे गड़बड़ी हुई है। देखो जी, हमने फॉर्मूला गलत अप्लाई कर दिया। यहां जो फॉर्मूला है वो अप्लाई होगा यहां पे। देखो स्टार्टिंग से क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्योंकि आंसर मैच हुआ नहीं। देखो हमें सीपी की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी, ठीक है, और फॉर्मूला हमने लगा दिया SP माइनस CP। SP माइनस CP तो प्रॉफिट प्रतिशत होता है, तो यहाँ उल्टा फॉर्मूला लगेगा। इन दिस केस यहाँ ये CP गलत निकाल दिया, क्या फॉर्मूला लगेगा, दैट इज द लॉस प्रतिशत इज इक्वल टू लॉस बाई CP। लॉस कितना है, CP माइनस 48, और डिवाइड बाय, क्योंकि अगर 40 आंसर आता तो इसको तो प्रॉफिट हुआ है ना कि लॉस, तो थोड़ा सा हम लोगों ने गलत कर दी कैलकुलेशन में, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। तो यही है, कैलकुलेशन को विशेष ध्यान रखना है आप लोगों को। डिवाइड बाय कितना आएगा, सीपी मल्टीप्लाई कितना आएगा, सो 20 5 100 आंसर कितना आएगा, सीपी इज इक्वल टू 5 CP माइनस 240। तो अब 240 को इस साइड लेके आओगे, सीपी उस साइड जाएगा 4 CP, सीपी की वैल्यू कितनी आएगी, 6 6 24 60 रुपीज आएगी। 60 रुपीज खरीदा 60 में, बेचा 48 में, 20% का लॉस हो गया। अब नेक्स्ट केस में कह रहा है कि खरीदा तो उसने 60 रुपए में अब की बार, बट बेचा कितने में, बेचा कितने में, वो बेचने वाली वैल्यू को निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लगा दोगे, फॉर्मूला क्या लगेगा, जो फॉर्मूला हम लगा रहे थे वही फॉर्मूला लगेगा, सीपी माइनस दिस प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू SP माइनस 60 डिवाइड बाई 60 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, आपकी यहाँ पे वैल्यू आएगी 12 इज इक्वल टू SP माइनस 60। तो SP की वैल्यू आएगी कितनी अब की बार, 60 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 72, यानी कि अब की बार कितने रुपए में बेच देगा, 72 रुपीज में वो बेच देगा। तो आंसर जो रहेगा, आंसर नंबर डी आंसर ये रहेगा। तो मैथ में यही है, कंपटीशन मैथ में यदि आपकी कैलकुलेशन करेक्ट है तो आपका आंसर भी करेक्ट रहेगा, कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का, कोई आर्टिकल है भाई, आर्टिकल है ये, और सेलिंग प्राइस जो है SP जो है वो 4/3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है गुणा, इतना ज्यादा, इतना गुणा ज्यादा कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट SP को x मान लिया, तो SP कितना आएगा, 4/3 इंटू में x आ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट इसको कितना हुआ, प्रॉफिट इसको हुआ SP माइनस CP। प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP, SP कितना है 4/3 x, CP कितना है x, LCM आया थर्ड, तो 3x माइनस, और यहाँ पे कितना आएगा 3x, तो 4 में 3 गए तो 1/3 इंटू में x, ये क्या आया, प्रॉफिट आ गया। तो प्रॉफिट प्रतिशत कैसे निकलेगा, प्रॉफिट प्रतिशत इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है 1/3, ठीक है, डिवाइड बाय CP, CP कितना है, CP को हम x मान के चल रहे थे, और मल्टीप्लाई क्या है 100, तो x x कैंसिल, 100/3 यानी कि 33, 1/33 यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर SSC में आए हुए हैं प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। आई होप
कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, ठीक है। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल करा सकूँ। ओके, थैंक यू, थैंक्स।